Hello friends, welcome to the channel. Today under the heading of post-colonial literatures, we will get to do a poetry names written by Derek Walcott, जिनकी एक और poetry goats and monkeys हम cover कर चुके हैं under the same syllabus semester 6 paper 4-14 of Delhi University. I'll not go for the deep introduction of this writer. Today, born on the island of St. Lucia, former British colony in West Indies. He is a poet, he is a playwright, and was trained initially as a painter, but then took up writing as a career. इस पोइट्री में डेरेक वेलकट ने एक ट्राई किया है हिस्ट्री ऑफ कैरिबियन आइलैंड्स को रिक्रिएट करने का, दोबारा से बनाने का, और दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉलोनाइज्ड के भी और कॉलोनाइजर्स के भी. कॉलोनाइजर्स एक इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं जो कि डोमिनेटिंग हो जाती है, और जो भी कॉलोनाइज्ड हुए वो अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं और कॉलोनाइजर्स को मिमिक करना चाहते हैं. एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल वो अपनी लैंग्वेज को यूज करते हैं थ्रू ऑब्लिगेशन ऑफ देयर लैंग्वेज ऑन द नेटिव्स एंड द कॉलोनाइज्ड. द ऑप्रेस्ड नेटिव्स, नेटिव्स मतलब उसी जगह पर जो लोग रहते हैं. सपोज हम इंडिया में रहते थे और इंडिया कॉलोनाइज हुआ था, तो वी वर कॉल्ड नेटिव्स एंड देवर कॉल्ड कॉलोनाइजर्स. सो द ऑप्रेस्ड नेटिव्स एंड कॉलोनाइज पॉपुलेशन एक्सेप्टेड दिस ऑब्लिगेशन विदाउट कॉन्फ्लिक्ट. वो लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं ना, वो हमारे लिए एक प्राउड फीलिंग होती है कि वाह, हमें भी वो लैंग्वेज आती है जो कि हमारे कॉलोनाइजर्स को आती है, तो वी स्टार्ट टेकिंग प्राइड इन दैट. लेकिन डेरेक वॉलकॉट कहते हैं कि ऐसा नहीं है. कॉलोनाइज के ऊपर इतनी ज्यादा पावर को एक्सरसाइज करते हैं कि उनकी आइडेंटिटी चली जाती है और वो लोग कॉलोनाइजर्स की आइडेंटिटी को अडॉप्ट करना चाहते हैं. यह पोएम की शुरुआत की कुछ लाइंस, माय डेज बिगिन एज द सी बिगिन विद नो नाउंस एंड विद नो होराइजन विद पेपल्स अंडर माय टंग विद अ डिफरेंट फिक्स ऑन द स्टार्स. ये जो पोएटिक पर्सोना है इस पोएट्री का, वो एक सेंस ऑफ रेस के साथ इस पोएट्री की शुरुआत करता है. एक रेस जो कि सी और सी की सराउंडिंग्स, जो कि कैरेबियन आइलैंड में था, उस आइलैंड में इनहेरेंट थी वो आइडेंटिटीज. जस्ट लाइक द सी हिज रेस टू बिगिन विद नो नाउन और नो होराइजन. तो हमारे ये पर्सन अपने आप को एक कॉलोनाइज्ड की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी भी कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी. रेडी टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज एंड अ डिफरेंट सेट ऑफ डायरेक्शंस बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ स्टार्स. तो हमें भी कॉलोनाइज्ड को भी हमेशा तैयार रहना पड़ता था कुछ नया सीखने के लिए, अकॉर्डिंग टू दोज जो कि अपनी पावर हमारे ऊपर एक्सरसाइज करेंगे. बट वो कहते हैं कि मेरी रेस भी कुछ रेस है, मेरी रेस की भी कोई आइडेंटिटी है. तो मैं अगर अपनी आइडेंटिटी बनाकर रखना चाहूं तो आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप मी. ही इज काइंड ऑफ फीलिंग नॉस्टैल्जिया एट प्रेजेंट, मे बी सिटिंग और स्टैंडिंग एट सम सी बीच एट प्रेजेंट फीलिंग नॉस्टैल्जिक फॉर होमलैंड्स लेफ्ट बाय द कॉलोनाइजर्स एंड दोज लॉस्ट बाय द कॉलोनाइज्ड. तो इस कॉलोनाइज्ड कॉलोनाइजर्स के चक्कर में सभी लोगों की आइडेंटिटीज खत्म हुई हैं. जो कॉलोनाइजर्स थे वो भी तो अपने लैंड से दूर आकर किसी ऐसे पर्सन को टेम करने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे जो उनके अपने नहीं थे. और जो नेटिव लोग थे जो कॉलोनाइज थे, देवर बींग टेम, देवर बींग कंट्रोल बाय सम अदर रेस, उनकी भी आइडेंटिटी खत्म हो रही थी. नाउ ही सेज, बट नाउ माई रेस इज हियर and in the sad oil of Levantine eyes, in the flags of Indian fields, I begin with no memory, I begin with no future, but I look for that moment when the mind was half by this horizon. तो यहाँ पर हमारी poetic voice assert करती है, कहती है कि he began with no memory and no future, but he still looked for the moment when the mind was half by the horizon. कि ऐसा कोई एक पॉइंट नहीं है जहां से वो अपनी यादों की शुरुआत कर रहे, लेकिन दुनिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, इतना उन्हें बहुत अच्छे से याद है. दैट इज व्हेन द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू द यू नो बाइनरीज ऑफ रूलर्स एंड द रूल्ड. एक पर्सन रूलर है, एक पर्सन रूल्ड है, एक पर्सन ब्लैक है, एक पर्सन वाइट है, एक पर्सन कॉलोनाइज्ड है, एक पर्सन कॉलोनाइजर है. इस तरीके की बाउंड्रीज में पूरी दुनिया डिवाइड हुई थी. ऐसा भी एक वक्त पूरी दुनिया में था. तो इस
पोइट्री में वो कहते हैं कि हमारे नाम भी इम्पोर्टेंट हैं, जो भी कॉलोनाइज हुए हैं उनके नाम भी इम्पोर्टेंट है, एंड वी कैन नॉट ऑलवेज रन आफ्टर द सो कॉल्ड पावरफुल कॉलोनाइजर्स। सो वेलकॉट रिजेक्ट करते हैं उस आइडिया को जो कि मिमिक करता है, कॉपी करता है कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज। वो तो हम सभी हमेशा से करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, दैट इज द रीजन वी आर स्टडिंग दिस लिटरेचर इन इंग्लिश। सो वेलकॉट रिजेक्ट्स पैरिटी ऑफ कॉलोनाइजर्स लैंग्वेज एंड कल्चर एंड बिलीव्स दैट द कैरेबियन आर्टिस्ट हैज टू क्रिएट अ न्यू लैंग्वेज टू एनेबल हिम टू रिडीम हिज पर्सनहुड। कि हम लोगों को भी अपनी लैंग्वेज को एक पहचान देनी होगी जिससे कि हमारी आइडेंटिटी भी रिडीम हो सके, हमारी आइडेंटिटी भी रिजुविनेट हो सके, बॉर्न हो सके फिर से। तो वो कहते हैं कि अगर कॉलोनाइज्ड पीपल विल स्टॉप मिमिकिंग द लैंग्वेज द कल्चर द स्टाइल ऑफ कॉलोनाइजर्स दे विल ऑटोमेटिकली बी डिमिनिश्ड एंड देन वी कैन प्रिवेल द कॉलोनाइज्ड कैन प्रिवेल विद देयर न्यू लैंग्वेज विद देयर न्यू आइडेंटिटी। इसके बाद वो कहते हैं कि जो भी लोग कॉलोनाइज्ड रहे हैं ना, असल में रियल किंग तो वही थे, ट्रू एम्परर तो वही थे। द कॉलोनाइज पीपल ऑफ कैरिबियन आइलैंड्स आर द ट्रू एम्परर। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली एम्परर थे ना, उनको कभी अपने आप को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम इस लैंड के राजा हैं। सो इवन दो दे डिड नॉट डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी एम्पायरिकल टू बी किंग्स बिकॉज इन देयर एप्टीट्यूड टू मेक द कॉलोनाइजर्स लैंग्वेज देयर ओन दे होल्ड द की टू देयर ओन सेल्फ कंटेंशन एंड सेल्फ एम्पैथी। वो लोग कोशिश जरूर करते हैं कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज को ओन करने की, मिमिक करने की, लेकिन अपना सेल्फ कंटेंट, अपनी सेल्फ एम्पैथी, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को इन लोगों ने मेंटेन रखा है और वो इस लैंड में हमेशा से रहते आए हैं। कैरेबियन आइलैंड्स के जो नेटिव्स हैं, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं जिनको कॉलोनाइज किया गया, दे आर दी ट्रू एम्परर्स, क्योंकि वो इस लैंड में हमेशा से रहते आए हैं और उन्हीं का पूरा राइट है इस लैंड पर। डेरिक वेलकॉट एक और पोएट के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है एडवर्ड ब्रैथवेट। एडवर्ड ब्रैथवेट वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग पोएट्स ऑफ कैरिबियन लिटरेचर एंड हैज रिटन अबाउट द कंडीशन ऑफ ब्लैक्स इन डायस्पोरा एंड ऑफ द डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ स्लेवरी। तो ये एक ऐसे राइटर रहे हैं जिन्होंने कैरेबियन कल्चर को ग्लोरीफाई किया है और स्लेवरी, कॉलोनाइजेशन, इन सब को बहुत क्रिटिसाइज किया है। ही वॉज वाइडली कंसिडर्ड वन ऑफ द मेजर वॉइसेस इन द कैरेबियन लिटरेरी कैनॉन। कैरेबियन लिटरेचर में बहुत ही मेजर फिगर माने जाते हैं जिन्होंने कैरेबियन लिटरेचर को एक पहचान दिलवाई है। तो हमारे डेरिक वेलकॉट जी कहते हैं कि हमारे पास ऐसे राइटर्स हैं जो कि मिमिक नहीं करते, जो कि हमारे कल्चर को, हमारी नेटिवनेस को ग्लोरीफाई करना जानते हैं, देन वाई आर वी सपोज टू लर्न दी लैंग्वेज ऑफ आवर कॉलोनाइजर्स। इस पोएट्री का एक जिस्ट यही है कि वॉलकॉट कहते हैं कि सभी के पास नाम है, सभी के पास आइडेंटिटीज है और सभी के पास अपना एक नेटिव प्लेस होता है, देन हु आर दीज कॉलोनाइजर्स जो किसी जगह पर जाते हैं, उस जगह को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, वहां की लैंग्वेज, वहां के नामों को बदलने की कोशिश करते हैं। वेलकॉट आर्ग्यू कर रहे हैं इस इन लाइंस में, इस पूरी पोइट्री में, दैट वाइट कॉलोनाइजर्स बिलीव दैट द वे दे यूज लैंग्वेज वॉज अनएस्केपेबल। व्हाइट कॉलोनाइजर्स जो है ना, वो कहते हैं कि हम लैंग्वेज को, हम नेम्स को, हम नाउंस को, प्रोनाउंस को जिस तरीके से यूज करते हैं दैट इज द बेस्ट, और अगर कोई इसको यूज नहीं कर रहा तो दैट पर्सन इज फूलिश एंड और वे इज बेसिकली सो अट्रैक्टिव दैट इट इज अनएस्केपेबल एंड दैट पीपल हु यूज लैंग्वेज डिफरेंटली वर लेस देन ह्यूमन। जो भी किसी भी अलग तरीके से लैंग्वेज यूज करता है ना, दे आर नॉट यूजिंग इट इन द राइट वे अकॉर्डिंग टू द व्हाइट कॉलोनाइजर्स, आई एम नॉट सेइंग इट, बट दे फॉरगॉट एवरीवन हैज गॉट देयर ओन नेम्स एंड देयर ओन आइडेंटिटीज। एक बात को जरूर भूल गए कि हर इंसान की पहले से ही एक आइडेंटिटी थी, हर प्लेस की पहले से ही एक आइडेंटिटी थी, लोग वहां रह रहे थे, देयर वाज नो नीड ऑफ व्हाइट कॉलोनाइजर्स एट एनी प्लेस टू सिविलाइज देम, टू एजुकेट देम, टू गिव देम
नेम्स, सबके पास अपने अपने नेम्स, अपनी अपनी पहचान ऑलरेडी थी, लेकिन इन वाइट कॉलोनाइजर्स को ऐसा लगता था कि वी आर दी वन हु आर गिविंग देम रियल एजुकेशन, रियल आइडेंटिटी एंड टू एस्केप आवर लैंग्वेज आवर कल्चर आवर स्टाइल इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। That was it for this part of the video. Please do not forget to share and subscribe the channel. You can find the videos of other topics of the same subject in description. And please do tell me after exam in comments of any of the video that how did your exam go. Thanks a lot for watching. Best of luck for your exams.